ब्यूटीज़, कैसे हो आप सब? एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी अगेन। एंड ये मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है फॉर करवा चौथ के लिए, और एक और मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया था, अगर आप चाहो तो वो भी जाके देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे आपको क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर एंड में। ये मेकअप काफ़ी अच्छा है, वो वाला मेकअप मैंने सिंपल सूट के साथ में किया था, बहुत ही ईजी पीजी सा मेकअप था। ये थोड़ा सा ड्रामेटिक मैंने किया है, थोड़ा सा हैवी मेकअप है इन कंपैरिजन टू दैट वीडियो। और इसमें प्रॉपरली मैंने साड़ी वगैरह पहन रखी है, जैसे कि नॉर्मली आप करवा चौथ में पहनते हो, और ये काफ़ी स्पेशल फेस्टिवल है तो काफ़ी अच्छे से सजना और संवरना तो बनता ही है। तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि वाई नॉट एक दूसरा वीडियो भी आप लोगों के लिए जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी स्किन की केयर कर रही हूँ, लाइक प्राइमर वगैरह अप्लाई कर रही हूँ, मॉइस्चराइज़र मैंने अप्लाई कर लिया था, और देन मैं यहाँ पे अपना आई मेकअप स्टार्ट करूँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है मेबलिन फिटमी का कंसीलर, और यहाँ पे मैंने मिनिसो का ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, और ये काफ़ी अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है। देन मैंने फर्दर इसको सेट कर लिया है कॉम्पैक्ट की हेल्प से। और दोस्तों ये एक टिंटिन का है आई शेडो पैलेट, और इसमें से मैंने ये ट्रांजिशन शेड लिया है। एंड दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 96% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ऐसा नहीं लगता है, इतने एफर्ट्स करती हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए करती हूँ, और अगर आप लोग भी अपना सपोर्ट नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा। देन मैंने यहाँ पे अपने आउटर वी पे थोड़ा सा पिंकिश टोन का एक शेड लिया है, और एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड आउट कर रही हूँ। देन मैंने यहाँ पे बटन वाइल्ड का ये लिक्विड आई शेडो लिया है, और उसको मैंने अपने क्रीज पे अप्लाई किया है फॉर दैट शिमरी इफेक्ट। एंड ये मेरी साड़ी के साथ में काफ़ी अच्छे से मैचअप हो रहा था आई लुक, सो दैट्स वाई। एंड मैंने यहाँ पे म्यूज़िक फ्लावर का आईलाइनर जेल लिया है, और इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये काफ़ी अच्छा जेल आईलाइनर है, अगर आप कोई अच्छा सा अफोर्डेबल सर्च आउट कर रहे हैं आईलाइनर जेल में तो आप इस टाइप से ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। आईब्राउज़ को फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे मिस क्लेयर की ब्राउन पेंसिल ली है, इसके बारे में मैंने हमेशा बात की है। मेबलिन फिटमी का फाउंडेशन ले लिया है, और इसे मिनिसो के ही ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही सेट कर रही हूँ। एंड दोस्तों, मैंने और भी बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल किए हैं, स्किन केयर किए हैं, आप जाके मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, और काफ़ी अमेजिंग वीडियो हैं, आप जाके देखा करिए। एंड कमेंट करके ज़रूर बताया करिए दोस्तों कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। देन मैंने यहाँ पे कंसीलर लगाया और इसको कॉम्पैक्ट की हेल्प से सेट कर लिया, ताकि मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग हो जाए अच्छे से। देन मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोरिंग पैलेट लिया है, और इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉन्जिंग किया है। फर्दर मैंने ब्लश अप्लाई किया है एप्पल ऑफ माई चीक्स पे, और इसे मैं अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी, और ये काफ़ी एक नेचुरल इफेक्ट देता है, आप भी इसे ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अफोर्डेबल भी है। और फर्दर मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर लिया है, जो कि मेरा फेवरेट है ऑल टाइम, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, और इस टाइप से आप ले सकते हो। देन मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर की काजल अप्लाई किया है, और ये इतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा, बट इट्स ओके। और मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, और आई थिंक आप कह सकते हो लास्ट टाइम। तो देन मैंने यहाँ पे कर्ल किया है अपनी आईलैशेस को, और फर्दर मैंने जो पिंक कलर का जो शेड अप्लाई किया था अपनी आईज़ के लिए, वही शेड लेके मैं अपनी लोअर वाटर लाइन के आसपास इसे स्मज कर रही हूँ। फर्दर मैंने यहाँ पे मैट मी की स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक अप्लाई की है, वेरी ब्यूटीफुल डार्क पिंक रेडिश काइंड ऑफ शेड है, और ये ज्वेलरी मैंने पहन ली है, एंड दिस इज़ फ्रॉम मिंत्रा, एंड वेरी ब्यूटीफुल ज्वेलरी है, इसका भी मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी आपके साथ में, एंड बहुत ही जल्दी ज्वेलरी का भी एक हॉल आने वाला है। सो और दोस्तों, और भी बहुत ही अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, लाइक मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, एंड मेरे घर में शादियां पड़ने वाली हैं, तो आप कनेक्टेड रहिएगा। अगर आप देखना चाहते हो शॉपिंग हॉल्स वगैरह तो प्लीज़ कनेक्टेड रहिएगा, और बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। फर्दर मैंने यहाँ पे जूड़ा गजरा अप्लाई कर लिया है, चूड़ी पहन ली है, मांग टीका अप्लाई कर लिया है, एंड ज्वेलरी इज़ टोटली मैचिंग हो रही है मेरी आउटफिट के साथ में, साड़ी के साथ में, और ये काफ़ी हैवी साड़ी है, सिल्क बेस्ड है, काफ़ी अच्छी लगती है, और थोड़ी सी हैवी साड़ी होती है तो काफ़ी फेस्टिव सीज़न में इस टाइप की
यू नो कलरफुल वाइब्रेंट एंड क्लासिक लुक देती है, काफ़ी अच्छी लगती है। एंड आई लव सिल्क एंड बनारसी के यू नो साड़ीज़ वगैरह, तो और भी अच्छे अच्छे इस टाइप की यू नो साड़ी कलेक्शन में लेके आने वाली हूँ बहुत ही जल्दी। सो स्टे ट्यून्ड रहिएगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा और आप भी इस तरीके से यू नो क्रिएट कर सकते हो मेकअप लुक, एंड आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ कमेंट डाउन अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय। एंड सभी मेरी फ्रेंड्स लोगों को और मेरी सब्सक्राइबर को हैप्पी करवा चौथ, एंड अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।